गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th एंड चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स को डेवलप किस तरह से किया जाता है, किस तरह से सोसाइटी के अंदर दो कैटेगरीज जो हैं वो बन जाती हैं, और उसके बाद हैव नोट्स और हैव्स यानी कि रिच और पुअर दो तरह की सोसाइटी जो है हमें मिलती है, और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी होता है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सफ़र करता है। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट मीन्स सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब है कि हम आज की अपनी सारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन की क्षमताओं को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि उनकी क्षमताओं के साथ यानी फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं रिसोर्सेज का, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिले ही ना। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी अपने लिए चीज़ों का यूज़ तो करना ही है, साथ में हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को संभालना भी है। तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, 1992 में वहाँ पर एक समिट हुआ जिसे अर्थ समिट कहा जाता है या रियो समिट भी कहा जाता है। इस रियो समिट में या अर्थ समिट में एजेंडा 21 पास किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एजेंडा 21 आखिर है क्या। देखिए, एजेंडा 21 को हम एक चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे, फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल में एजेंडा 21 डाला हुआ है। अब एजेंडा 21 में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वन बाय वन हम उन सभी चीज़ों को देखते चले जाएंगे। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को डायग्राम नहीं बनाना, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है उसे राइट डाउन करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो अगर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाते, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो मार्क्स वहाँ पर और भी अच्छे हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को राइट डाउन करना है। एजेंडा 21 के अंदर सबसे पहले देखिए क्या हुआ। डेक्लेरेशन साइंड एट रियो डी जेनेरियो 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में जगह है, वहाँ पर एक डेक्लेरेशन को साइन किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा। इसमें इस एजेंडा 21 की मीटिंग के अंदर या फिर ये जो अर्थ समिट हुआ था, इस मीटिंग में लगभग 100 देशों से भी ज़्यादा देश के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो शामिल हुए थे। उसके साथ साथ जो एनजीओज हैं उनके बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेटेड उन्होंने किया था। तो क्या हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में एक डेक्लेरेशन को साइन किया गया था 1992 में। क्या था इस डेक्लेरेशन के अंदर, इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग क्या है, क्या अचीव करेंगे, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे, मीन्स प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करते हुए, यानी कि उस पूरे के पूरे विश्व का ध्यान रखते हुए हम अपने डेवलपमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखो 1992 से पहले जो सभी का एम था या जो पर्पस था सभी का, वो सभी का पर्पस सिर्फ डेवलपमेंट करना था, यानी उन्हें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। पहली बार इस जो रियो डी जेनेरियो के अंदर जो ये अर्थ समिट हुआ है, पहली बार इसके द्वारा एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए बात कही गई कि हम लोगों को अपने पर्यावरण को बचा कर भी रखना है, सिर्फ अपनी इकोनॉमिक
सेटिस्फैक्शन को फुलफिल नहीं करना, यानी कि सिर्फ अपनी आर्थिक उन्नति के बारे में हम लोगों को नहीं समझना या सोचना, उसके साथ साथ हम लोग अपने वातावरण के लिए क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए कहा गया। रियो डी जेनेरियो के अंदर जो ये एजेंडा 21 पास हुआ, इसमें एक बात और कही गई कि सिर्फ एक या दो देशों के हेल्प करने से पूरी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, जब तक कि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे। यानी कि सिर्फ एक या दो देश अगर अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को सही करने के लिए जुड़ जाएं और बाकी देश जो है कुछ भी हेल्प ना करें, बाकी कंट्रीज़ कुछ भी हेल्प ना करें, तो भी हमारा एनवायरनमेंट सही होने वाला नहीं है, जब तक कि सभी लोग बराबर से सहयोग नहीं देंगे, बराबर से कोशिश नहीं करेंगे अपने एनवायरनमेंट को सुधारने की। इसको जो सपोर्ट दिया गया है वो यूएनओ की तरफ से भी दिया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी यही चाहता था कि लोग, यानी कि जो अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं या अलग अलग देश जो हैं, वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दें। अब इसमें क्या चीज़ें रखी गई, क्या फीचर्स सामने रखे गए, इनमें कहा गया कि हमें किस पर ध्यान देना है, एनवायरमेंटल डैमेज को फेस करना है, जितना भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको, और मतलब कि उस डैमेज को और नहीं बढ़ाना, उस एनवायरमेंट को हमें दोबारा से सही करना है, पुअर्टी गरीबी के ऊपर, जो देश बहुत ही, जो विकासशील देश हैं या बहुत ही पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ पर गरीबी बहुत ही बड़ा, क्या कहेंगे, अभी भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उस पुअर्टी को हमें अलग, उसकी रोकथाम करनी है। इसके साथ साथ जो डिजीज़ हैं, जैसे कि एड्स हो गया जो एक महामारी की तरह है, तो ऐसे डिजीज़ के लिए भी मिलकर काम करना है, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई जिसके ऊपर हमें इन चीज़ों के लिए वर्क करना था। नेक्स्ट है इसमें, देखो इस एजेंडा 21 की सबसे बड़ा फीचर क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या है, एजेंडा 21 में पहली बार कहा गया कि सिर्फ कंट्री ही नहीं, कंट्री के अंदर जो स्टेट हैं वो लोकल गवर्नमेंट भी, वो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा, वो अपने स्तर पर भी, यानी कि अगर किसी, जैसे कि हम लोग अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक असम स्टेट है, तो असम स्टेट के अंदर बहुत सारे अभयारण्य हैं, तो उन अभयारण्य को सिर्फ सेंटर ही नहीं देखेगा, स्टेट को भी कुछ एजेंडा ऐसे निकालने पड़ेंगे, कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा, कुछ लोकल एजेंडा ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो भी अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दे। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने लोकल एजेंडे जो हैं वो बनाने पड़ेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल की गई थी एजेंडा 21 के द्वारा, एजेंडा 21 के अंदर। तो इसीलिए एजेंडा 21 के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से बहुत अच्छी तरह से उसका आंसर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, अब हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों ज़रूरत है कि हम संसाधन को बिल्कुल प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से यूज़ करें। रैंडमली भी तो यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को, लेकिन हम लोग नहीं करते, हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवन, सो वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इंडिया की ही अगर हम बात कर ले, इंडिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो भारत के हर एक स्टेट के अंदर क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। कहीं पर किसी स्टेट में कोई रिसोर्स हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और किसी रिसोर्स में हमें, किसी दे स्टेट के अंदर हमें कोई और रिसोर्स ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पर हम लोग टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। बॉम्बे हाई की अगर हम बात करें, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंडर आता है, वहाँ से पेट्रोलियम बहुत अच्छी मात्रा में निकल जाता है, ठीक है। उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर से आयरन ओर हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये अनइवनली बटे हुए हैं, हर एक जगह नहीं मिलते, तो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो रिसोर्स एक जगह से निकाल रहे हैं उसको उसी स्टेट में यूज़ नहीं करना, उसको पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर हमें उसे यूज़ करवाना है, ताकि इंडिया के हर एक स्टेट का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो थ्री स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप वी शुड आइडेंटिफाई द रिसोर्स दैट वेयर इज इट ऑन
क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेसिस। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिसोर्स किस जगह पर हैं और उन रिसोर्स की क्वांटिटी क्या है, यानी कि वो मात्रा में कितने हैं, और उसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि वो बढ़िया किस्म का है भी या नहीं है। तो पहले हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, सेकेंड स्टेप इंक्लूड्स दैट बाई विच टेक्निक वी एब्स्ट्रैक्ट द रिसोर्सेज। इसमें हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे इस रिसोर्स को निकालने के लिए, यानी कि हमें वो रिसोर्स जो है यूज़ करना है। तो यूज़ तो हम ऐसे करेंगे नहीं कि धरती के नीचे से थोड़ा सा निकाला और फिर उसे यूज़ कर लिया। हम पहले उसकी पूरी मात्रा को निकालेंगे, फिर उसे प्योरीफाई किया जाएगा। तो प्योरीफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, उस चीज़ को निकालने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, उन चीज़ों को हम लोग डिसाइड करते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इज ओवरऑल डेवलपमेंट। थर्ड स्टेप में हम ये इंक्लूड करेंगे दैट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपिंग प्लान विद द नेशनल डेवलपिंग प्लान। जो रिसोर्स हमने जिस स्टेट से निकाला है, फिर उसे हम लोग नेशन को देंगे, यानी कि राष्ट्र को दिखाएंगे, और फिर हमारा नेशन डिसाइड करेगा कि उस डेवलपिंग प्लान को किस तरह से कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रल के द्वारा ऑथराइज होता है, सेंट्रल से देखती है कि किस तरह से इस डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को हम लोग आगे के लिए रखेंगे या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज को, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किन तीन तरीकों से की जाती है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ तक आपको आपके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल सही मैनर में उन्हें प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।